आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए और लो हमारे पास ही जाएंगे तो हम खाते हैं पकोड़े और आप भी खा लो। Hi guys, morning to all of you. आज 24 सितंबर और सुबह के बज रहे हैं 10। आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है मेरे लिए। I am feeling very very excited. बहुत एक्साइटमेंट मुझे फील हो रही है बिकॉज आज मैं अपनी लाइफ में मोटो जीपी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, जो कि लगभग हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि यार ये वाली रेस देखनी है एक बार। तो आज वही एक बार वाला दिन आ गया है। सो चलते हैं गाइस, मोटो जीपी देखते हैं। इट्स जस्ट लाइक थेरेपी टू माई ईयर्स, जो वो साउंड होगा ना रूम। सो चलते हैं, मैं रेडी होता हूँ जल्दी से, काफ़ी लेट हो गया हूँ उठते क्योंकि रात को लेट सोया था। तो जल्दी से चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मोटो जीपी का हमारा कौन सा स्टैंड है, कितने का पास है, हमें कितने की टिकट मिला। एक फ्रेंड है विक्रम, उसके पास पासेस पड़े हैं, तो निकालते हैं अपनी स्कॉर्पियो। साफ भी हो गई होगी, आज संडे था ना तो अंदर से भी साफ हो जाती है। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, नहा धो के चलो। सो गाइस, मैं नहा लिया हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने कपड़े पहन लिए अपने जॉर्डन्स और ये ट्रैक पैंट की थोड़ा कम्फर्टेबल रहे क्योंकि पूरा दिन उधर बैठना पड़ सकता है। और अपनी फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट सुपर ड्राई की टी शर्ट नेवी ब्लू, तो चलते हैं और अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं और मैं पूरा मोटो जीपी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो गाइस लेट्स गो, मैं अपनी स्कॉर्पियो में बैठ चुका हूं और अब मैं जा रहा हूं सीधा अपने दोस्त और अपने भैया, जिनको मैं भैया के नाम से बोलता हूं, भैया बोलता हूं, उनका नाम है राजेश भैया। तो चलते हैं उनको पिक करते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं विक्रम को और फिर चलते हैं हम सीधा जूम मोटो जीपी देखने। गाइस तो हम निकल चुके हैं मोटो जीपी देखने, मैंने विक्रम को पिक कर लिया है। ये है विक्रम। विक्रम तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल है क्या? मतलब है बट बहुत पुराना है, यूज कोई नहीं। इंस्टाग्राम है विक्रम का, क्या नाम से है? विक्रम अंडरस्कोर छेत्री। हाँ तो आप गाइस उसको फॉलो कर सकते हो। और ये है भैया राजेश। भैया राजेश ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ये बिजनेस भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, डांसर वांसर सब हैं। तो अब हम तीनों निकल चुके हैं भगवान का नाम लेके रेस देखने। तो देखते हैं आज रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, बट कोई जीते कोई हारे हमने तो मजे लेने से मतलब है। तो गाइस अब चलो दिखाता हूँ मैं आपको रेस और पासिस दिखा दो एक बार विक्रम। ये गाइस देख लो हमारे पासिस हैं, ये गेस्ट पासिस हैं, गेस्ट स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको जो गेस्ट के लिए मिलते हैं पासिस, वो पासिस हैं। दिस इज नॉट फॉर सेल्स। चलो गाइस ये देख लो आगे जा रही है जिमनी। तो कमेंट करके बताओ किस किस को जिमनी पसंद आई और मैंने स्कॉर्पियो लेके सही फैसला किया या नहीं, या मुझे भी जिमनी लेनी चाहिए थी। चलो गाइस। सो गाइज अभी हम रुके हैं सरोजनी नगर रिंग रोड पे और हम खाएंगे अब पकोड़े गरम गरम जो कि राजेश भैया लेके आए हैं। ये बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों को नहीं पता है गाइज, और ये विक्रम। सो अब हम करते हैं टेस्ट की चटनी, मेरे को तो बहुत पसंद है गाइज क्योंकि मैं पहले यहीं रहता था। सो हम खाते हैं पकोड़े और आप भी खा लो और फिर हम सीधा यहाँ से चलेंगे। यहाँ से एक घंटा रह गया है नोएडा का, जो कि मोटो जीपी का स्टैंड है, बुड इंटरनेशनल सर्किट। सो गाइस बने रहो वीडियो के एंड तक। सो गाइस हम चढ़ चुके हैं एक्सप्रेसवे पे, ये है कौन सा एक्सप्रेसवे है? ये यमुना, यमुना एक्सप्रेसवे। सो गाइस मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक्सप्रेसवे पे, बट बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में एक एक्सपीरियंस अच्छा सा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। और हम 1 बजे निकले थे करेक्ट, और अभी हमें कितना हो गए, 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, 15 मिनट दिखा रहा है गूगल पे, तुम वही 2 घंटे लगा लो गाइस। तो मिलते हैं चलते हैं सारे और फिर दिखाता हूँ मैं आपको पहला एक्सपीरियंस मेरा मोटो जीपी का जो कि इंडिया में हो रही है, खुद इंटरनेशनल सर्किट कैसा है। सो लेट्स गो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग, हर जगह पार्किंग। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जगह बनाई क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी पार्किंग जो गाड़ी हो पार्क हो जाए बाहर बाहर ताकि निकालने में इजी रहे। तो हमें लकीली एक गाड़ी निकल रही थी रोड से और हमने वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। सो लेट्स गो, यहीं से वाइब आनी स्टार्ट हो गई है, अनाउंसमेंट हो रही है अंदर कुछ। तो चलते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर और
फील करते हैं सम लाइव एक्शन सम मोटो जीपी। सो गाइस फाइनली वी रीच मोटो जीपी। वो यू कैन सी गाइस बिहाइंड मी इट्स अ ट्रैक। और हमारा जो ये एरिया है बहुत ही क्लासी सा एरिया लग रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस की कमी नहीं और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। सो आप देख सकते हो पूरा व्लॉग में कितना मज़ा आने वाला है। और रेस भी स्टार्ट होने वाली है गाइस, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो रूम रूम वाला साउंड जो कि थेरेपी टू द ईयर्स होगा कि कब स्टार्ट होने वाला है। तो लेट्स वेट यार, करते हैं वेट और मजे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। कंटिन्यू तो वील स्टार्ट गाइस। फाइनली हम पहुँच गए हैं, वीआईपी जोन है हमारा, बिल्कुल वीआईपी जोन देख लो जहाँ से रेस स्टार्ट होगी। हम बैठे हैं, ये सारे पिट स्टॉप्स देख रहे हो आप, जितने भी सामने हैं पिट स्टॉप्स हैं यहाँ जहाँ से रेसर्स निकलेंगे, ये देख सकते हो आप। ये बाइक सिक्के साथ रेडी है और ये हमारा ट्रैक है और वहाँ पे देख सकते हो गाइस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू फील दिस वाइब, टू फील दिस एनवायरमेंट गाइस। गाइस लास्ट लैप चल रहा है, लास्ट लैप देखते हैं कौन होगा विनर। बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं गाइस यार, एंजॉयिंग अ लॉट। गाइस लास्ट लैप चल रहा है, वी आर वेरी मच एंजॉयिंग। आप देख सकते हो आप कितने मजे आएंगे और कौन देखते हैं कौन फर्स्ट आने वाला है। गाइस फाइनली हमने मोटो जीपी की रेस देख ली और भाई मुझे तो बहुत मजे आए। भैया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और विक्रम? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई। हम सबका ही लगा लो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, विक्रम मेरा, राजेश भैया था। तो यार बहुत मजे आए और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, बाइकों का साउंड। मतलब ये लगा लो गाइस इतनी तेज बाइकें थी आप देख ही नहीं पा रहे थे, मतलब देख ही नहीं सकते उन बाइकों को, इतनी तेज निकल रही थी ना वो, सीरियसली 300 प्लस स्पीड। हाँ बिल्कुल मजा ही आ गया देख के। और विनर आई गेस पता नहीं बाकी दिन क्या था, हमें तो पता नहीं भाई। 12 नंबर बाइक थी। हाँ हम तो मोड़ लेने आए थे, मोड़ ले लिया हमने, पकौड़े खा लिए। अब देखते हैं गाइस क्या सिस्टम बिठाते हैं जाते हुए, तो घर जाके मैं बताता हूँ आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। बाकी मैं रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा जो भी हम कुछ करेंगे। तो सो गाइस लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छी बाइक, सबसे अच्छा कलर बाइक का कौन सा लगा आपको ट्रैक पे। मैं वीडियो अपलोड कर देख ही ली होगी आपने वीडियो, तो बताना कमेंट करके। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर, मैंने चेंज कर लिया है, मैंने नहा लिया हूँ, खाना खा लिया है। बहुत ही मज़ा आया यार मोटो जीपी में सीरियसली। और जो हमारा स्टैंड था वो कम से कम मैंने टिकट पूछी क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी गेस्ट, आप देख लेना टिकट्स में 25,000 रुपये का पास था गाइस, वो 25,000 रुपीज़ का हमें फ्री में मिल गया। बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो कि मुझे करना था यार, सीरियसली बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू ऑल व्लॉग के एंड तक बने रहने में। और हाँ सबको पता ही चल गया होगा अब तो, मार्कोस करके एक मूनी टीम है जो कि वैलेंटिनो रॉसी 46 जो सबको पता है, वेल नोन रेसर रहे हैं अपने टाइम पे, अभी भी हैं, तो उन्हीं की टीम का प्लेयर जिसकी बाइक जो डुकाटी की चेसिस पे बनती है, डुकाटी का इंजन यूज़ करके वो अपनी बाइक बनाते हैं, तो वो टीम जीती है VR46 की। और प्लेयर का नाम है, रेसर का नाम है, राइडर का नाम है मार्कोस जैकोब्स ऐसे कुछ करके है। सो गाइस थैंक यू ऑल, लव यू सो मच, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। बाय बाय।